श्रीगणेशाय नमः श्रीसरस्वत्य नमः श्रीसद्गुरुभ्यो भगवान् दराय नमः गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवर्वो महेश्वर गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्म श्री गुरुवे नमः बंदों गुरु परम्परा ओम देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नम कलिमल कलिमलह तुलसी कथा रघुनाथ की राम नाम आवा नाम आवा नाम मम जीवनम कलह नास्तव 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 गतिरथ <coughs> श्रीराम जय राम जय जय राम जय श्रिया राम जय जय श्रिया राम, राम। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं गतेस्तम गतेस्तम तोमे का भवानी 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 चैतन्यरात पूर्णावती की तरफ है आज दुर्गाष्टमी है तो सो इस नवरात्रि के उपलक्ष में अवसर पे माता रानी का धन्यवाद करने के लिए आज मैं आप सबको एक अद्भुत ग्रंथ है माता रानी का जिसका नाम है सप्तशती दुर्गा तो प्रश्न ये है कि इसका नाम सप्तशती क्यों पड़ा सप्त का अर्थ है सात और सती का अर्थ है सौ इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें माँ दुर्गा के सात सौ श्लोक हैं इसलिए इस ग्रंथ का नाम पड़ा सत्य सती दुर्गा इस ग्रंथ के विषय में कुछ और बातें आपको बताते हैं इसमें तेरह अध्याय हैं। पहला अध्याय माँ काली को समर्पित है दूसरा तीसरा चौथा महालक्ष्मी को समर्पित है पांचवें से दसवें अध्याय तक महासरस्वती को समर्पित है ग्यारहवें अध्याय में देवताओं ने माता रानी की अर्चना किया है पूजन किया है प्रार्थना किया है और माँ ने उनको आशीर्वाद दिया है बारहवें में जो भी देवी चरित्र हैं उनका महात्मा है और जो तेरहवा अध्याय है उसमें जो सूरत और वैश्य मेन है मुख्य है उनको माता आशीर्वाद देती है और इसके पहले कवच है अर्गला है कीलक है रात्रि सूक्त है और देवी अथर्व शीर्ष का पाठ है ये सब इस सप्तशती पाठ के अंग हैं अगर आप सप्तशती का पाठ करते हैं तो आपको इन अंगों का भी पाठ करना आवश्यक है और अंत तो नवार मंत्र पाठ के आदि में पाठ के आरंभ में और पाठ के आदि में दोनों बार करना है उसके बाद रात्रि सूक्त है और उसके बाद प्राधानिक रहस्य वैकृतिकम रहस्य और मूर्ति रहस्य का पाठ करने का विधान है कभी अगर आप ये पूरा का पूरा पाठ न कर सके तो भगवान शंकर द्वारा विरचित सिद्ध कुंज का स्त्रोत्र है उसके विषय में बाबा जी कहते हैं कि कुंज का पाठ मात्रे न दुर्गा पाठ फलम लभेत अगर आपको पास समय नहीं है तो सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ करिए उससे आपको जो ये दुर्गा पाठ है इसका पूरा का पूरा फल मिलेगा माता रानी का धन्यवाद एक और आधे श्लोक में करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं सप्त तो श्लोकी दुर्गा करके एक पाठ है सप्तती तो में उसमें आधा श्लोक है सीता नाम नवीपन्नराणाम श्वता प्रयाती माता जो लोग आपके आश्रित हैं उनको कभी कोई आपत्ति विपत्ति दुख नहीं आती बल्कि ये लोग जो आपके सहारे हैं वो दूसरों को भी सहारा देने वाला बन जाते हैं आगे मार्कंडे ऋषि जी ग्यारहवें अध्याय में छठे श्लोक में बताते हैं विद्या समस्ता देवी भेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत सु पूरी तम वे काते सुति स्तव्य परा परोक्ति ऋषि जी बताते हैं कि हे माता तू सारे जगत में व्याप्त है सारी विद्याएं तेरी है सारी विद्याओं में तेरा ही रूप है सारी स्त्रियों में तू ही व्याप्त है तेरी स्तुति हम क्या करें तू स्तुति से भी परे है और तू परा विद्या है इस तरह से माता रानी का धन्यवाद करते हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सबको हम सब का कल्याण ही कल्याण करें आइए अब मैं आपको रामचरित मानस में किसकिदा कांड में प्रवेश कराता हूँ जहाँ पर जामवंत जी अंगद को तमाम धार्मिक उपदेश देते हैं और इन धार्मिक उपदेशों में तमाम कथाएं बताते हैं और यह कथा सुन करके वहीं एक पर्वत की गुफा में सम्पाती एक गिद्ध था इसकी कथा फिर आगे बताएंगे वह पड़ा हुआ था वहाँ पर क्योंकि उसके पंख जल गए थे तो जब सम्पाती ने इन बंदरों की रीछों की भालुओं की बात सुनी तो वो धीरे धीरे करके गुफा से बाहर आया और बहुत प्रसन्न हुआ कि आज भगवान ने मुझे भर, पूर आहार दिया है इन बंदरों को भरपेट मैं खाऊंगा संपाती का आकार देख करके उसकी यह बातें सुन कर के बंदर लोग बहुत दुखी हुए तब संपाती बंदरों से क्या कहते हैं इसका चित्रण इसका विवरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज किस किन में करते हैं उनकी लेखनी लिखती है बाबा जी कहते हैं आज ही कहा न भक्षऊ दिन बहुच आहार बिन मर कब हो न मिल भरी उदर आहार जय राम संपाति बहुत भूखा है उसके पास कुछ नहीं है खाने के लिए इसलिए बहुत प्रसन्न होता है सारे बंदर भालू डर जाते हैं तब अंगद जी जटायु के विषय में कहते हैं कि जटायु जो भगवान राम के काम आया और फिर भगवान राम के धाम को गया धन्य था जटायु जटायु का नाम सुन करके संपाति अवाक हो जाता है सब बंदरों को दान देते हैं और कहते हैं कि तुम डरो मत मुझे संपाति के विषय में बताओ क्योंकि संपाति मेरा भाई था तो अंगद जी अंगद जटायु जटायु मेरा भाई था तो अंगद जी संपाती को जटायु के विषय में बताते हैं बाबा जी लिखते हैं कहंग बिचारी मन मही धन जयूं समक राम काज का रनत नुत्या गाया गाय परम बड़ भागी सुनी सम्पाती बंदूक करनी रघुपाति महिमा बहु विधि भरि श्री राम जय राम तो संपाति ने जब अपने भाई के विषय में ये सब बातें सुनी तो उसने भगवान राम की महिमा के विषय में कहा और इनसे कहा कि तुम मुझे समुद्र तट पे ले जाओ और वहाँ की कथा हम आगे देखेंगे पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही ही सर्वे सर्वेतु सुखि सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणी पशन माँ कसे दुख भाग भवे हर हर महादेव जय सियाराम ओम शांति शांति शांति